यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। एक ही शादी हॉल, एक ही पंडाल, लेकिन एक तरफ हो रहे थे फेरे तो वहीं दूसरी तरफ पड़ा जा रहा था कलमा। दोनों अलग अलग धर्म के लोगों ने धर्म और जाति पाति से उठकर समाज को एक नया ही संदेश दिया है। दोनों परिवारों में गहरी दोस्ती थी। दोनों परिवारों की बेटियों की शादी 18 फरवरी को तय की गई थी, लेकिन शादी का सीजन चलते हुए पंडाल ना मिलने के कारण दोनों परिवारों ने यह तय किया कि वो दोनों एक ही हॉल में शादी करेंगे। हरियाणा के सभी शहरों की सड़कें अब LED लाइट से रोशन होंगी। पहले चरण में पुरानी LED लाइट्स को हटाकर नई LED लाइट्स के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है। इससे 60-70% तक बिजली की बचत होगी। ये शहर हैं सोनीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत और फरीदाबाद। फतेहाबाद के गांव रत्ता टिब्बा की ढाणी तेज सिंह में रहने वाली खुशी नाम की छात्रा, जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ती है, उसने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे उसके गांव में खुशी का माहौल छाया हुआ है। जो काम उसके गांव के बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए वो काम उसने कर दिखाया है। अपने नन्हे से हाथों से कच्ची पेंसिल लेकर और कॉपी लेकर उसने प्रधानमंत्री के नाम कुछ ऐसा पत्र लिख डाला है जिसने उसके ढाणी की तस्वीर ही बदल डाली। सोमवार की देर रात सिहाइडवा माइनर में सड़क पर जा रही कार हादसे का शिकार हो गई और कार नहर में जा गिरी। कार में सवार 4 युवकों में से 2 चचेरे भाइयों की मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य युवक घायल हैं। मंगलवार को दोनों मृतक भाइयों का शव पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सिविल अस्पताल में रखवाया गया। आप हरियाणा बजट के सुझाव के लिए 1,00,000 रुपए जीत सकते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने एक नया पैतरा अपनाया है जिसके तहत राज्य के लोगों से हरियाणा सरकार सुझाव ले रही है ताकि वो कैसे बजट लागू कर सके। जिसके पहले हरियाणा सरकार अपने विधायकों से यह सुझाव लेती थी जिसके बाद वो अपने बजट को लागू करती थी।